अरे आपको तो बिल्कुल आशीर्वाद दो उनके, वो तो हर बार भी नहीं दो। कई दिनों से कल्पना कर रहा था मैं, जब मैं शनि देव का रोल 2008 में मुझे ऑफर हुआ था और शनि देव और विक्रमादित्य और उज्जैन की कहानी, मैं 10 साल से तड़प रहा था इनके दर्शन के। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ दिनेश जी, यहाँ के महाराज, यहाँ पंडितों के, कि मुझे इतना अच्छा दिव्य दर्शन हुआ, एक आभास हुआ है। मैं 3-4 घंटे से यहाँ से हटने की इच्छा नहीं हो रही। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोग भाग्यशाली हैं उज्जैन में कि आपने महाकाल के यहाँ पर आपका निवास है। मैं मुंबई में हूँ लेकिन कृपा बनाए रखिए। भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि अपने शरणागत रखें, मुझे अपनी कृपा रखें, अपने से दूर न ले जाएं मुझे। सर अभी नया आपका कौन सा? अभी मैं परम अवतार कृष्णा में सुदामा कर रहा था, सुदामा का रोल कर रहा हूँ मैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में चालू पांडे करता ही हूँ मैं। अभी मैं एक फिल्म करने जा रहा हूँ आनंद राय की, वो अगले महीने से शुरू होगी, और 2 वेब सीरीज हैं वो करने जा रहा हूँ। सर आप उज्जैन वासियों को क्या कहना चाहेंगे? आप उज्जैन वासी भाग्यशाली हैं जो महाकाल में के इस दरबार में आपका जन्म हुआ है। मैं भी ऐसे बनारस का हूँ लेकिन आज ऐसा दिव्य दर्शन, सचमुझ आंखें विभोर हो गई, ऐसा लगता रोता ही रहूँ मैं। पता नहीं आंख से आंसू ऐसे निकल रहे थे, मेरा समझ में नहीं आ रहा, अभी भी हटने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग सचमुच भाग्यशाली हैं उज्जैन वासी कि महाकाल के निवास पर आपका जन्म हुआ है।